His Excellency President Emmanuel Macron, distinguished delegates, friends of the media, bonjour France, bonjour Paris. President Macron के साथ पहले एक बार मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी उनके भव्य विजय के बाद और उसके बाद इतने कम समय में और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मेरा यहां आना हुआ और जिस गर्मजोशी से स्वागत किया मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत आभारी हूं क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि नई सरकार को कि प्रारंभिक दिनों में कितने प्रकार की व्यस्तता रहती है उसके बावजूद भी भारत को उन्होंने प्राथमिकता दी और इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं जर्मनी का शायद ये चुनाव था और फ्रांस का शायद ये चुनाव था कि जिसके ऊपर पूरे विश्व की नजर थी और ये सिर्फ चुनाव हार जीत का नहीं एक 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 नई परंपरा नया नेतृत्व नई ऊर्जा नया व्यक्तित्व हर प्रकार से सबका ध्यान था और ऐसे समय आपका विजय हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं फ्रांस और भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत ही गहरे हैं हर क्षेत्र में हैं हम मिलजुल करके काम करते हैं वैश्विक संदर्भ में भी हमारे संबंध सिर्फ हमारे दो देशों के हितों के लिए तक सीमित नहीं है वैश्विक संदर्भ में हम दो देशों के संबंध किस प्रकार से मानव जात को उपकारक हो मानवीय मूल्यों को उपकारक हो इसकी हमारी एक सफल यात्रा रही है और राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में भी ये यात्रा और तेज गति से आगे बढ़ेगी ऐसा मेरा विश्वास है विकास का हमारा दायरा संबंधों का हमारा दायरा एक बहुत बड़े फलक पर है चाहे वो टेक्नोलॉजी का मसला हो या ट्रेड की बात हो चाहे वो इनोवेशन का विषय हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो चाहे एजुकेशन हो एनर्जी हो एंटरप्रेन्योरशिप हो हर दृष्टि से और जैसा अभी राष्ट्रपति जी ने बताया कि स्टूडेंट टू एक्सचेंज प्रोग्रेस स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के कार्यक्रम भारत को ज्यादा समझने का प्रयास भारत के नौजवानों को फ्रांस को समझने का प्रयास इसको हम कैसे बल दें इस पर भी आज हमारी काफी वार्ता हुई और इसलिए मैं कहूंगा कि एजुकेशन हो एनर्जी हो एंटरप्रेन्योरशिप हो चाहे डिफेंस का मामला हो या डेवलपमेंट का मामला हो हमारे लिए दोनों फलक का उतना ही महत्व है चाहे हम स्मार्ट सिटीज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो या हम स्पेस के प्रोग्राम में मिलजुल करके काम करना चाहते हो हमारा दायरा कितना विस्तृत है इसका हम अंदाज कर सकते हैं कम्युनिकेशन जैसा आपने बताया कि कम्युनिकेशन वर्ल्ड का इन दिनों में जितना उपयोग है थ्रेड भी है हम मिलजुल करके इसमें कैसे काम कर सके और उसी प्रकार से फ्रांस और भारत के कल्चरल रिलेशन एक हमारी साझी विरासत है और आज जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया इसके बाद हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं हिंदुस्तान के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शांति के लिए शहीद हो गए बलिदान दे दिया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति जी भी समय निकाल करके हम दोनों साथ जा रहे हैं ये भारत के उन वीर आत्माओं के लिए मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपका जेस्चर है फ्रेंड्स पेरिस मेरी राजनीतिक यात्रा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है फ्रांस के साथ भारत ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने खास करके क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में पेरिस एग्रीमेंट के संदर्भ में
जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया और मैं समझता हूं कि पेरिस एग्रीमेंट ये एक साझी विरासत है और विश्व की साझी विरासत है। इस पीढ़ी की ये ऐसी देन है जो भावी पीढ़ी की भी विरासत बनने के लिए एक नई आशा को जन्म देती है। यह केवल पर्यावरण सुरक्षा का मामला नहीं है लेकिन हम सबकी मदर अर्थ को बचाने की एक सांझी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। मेरे लिए, हम भारतवासियों के लिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण की रक्षा ये आर्टिकल ऑफ फेथ है और इसका मूलभूत कारण है कि जो हमें सदियों से शिक्षा मिली है और वो हमारी वेद काल से शिक्षा है कि प्रकृति के साथ सहजीवन हमें सीखना होगा, प्रकृति के साथ संवाद, सहमति, यही अल्टीमेटली हर किसी का कल्याण करेगी और इसलिए हम प्रकृति के संरक्षण और समर्थन के प्रति संस्कारों से, संस्कृति से, स्वभाव से पूरी तरह कमिटेड देशवासी रहे हैं और भावी पीढ़ी को आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के रखा, इसके कारण मिला है। हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए देना, ये हम लोगों की दायित्व है और इसलिए हमारा ये प्रण है, हम समझौते के साथ भी हैं और समझौते के बाद भी हम मिलकर के चलेंगे, मिलकर के करेंगे और भावी पीढ़ी को मिलकर के कुछ न कुछ तोहफा देकर के जाएंगे। इस कमिटमेंट के साथ और इस दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर विचार हुआ है, सीईओ फोरम को सस्टेनेबल इकोनॉमी के विषय पर विचार करने का निर्देश दिया है और पेरिस की धरती पर एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का और मुझे खुशी हुई कि राष्ट्रपति जी की इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इस उपक्रम को आगे बढ़ाने के पीछे उनका एक कमिटमेंट है और वो स्वयं मुझे पूछ रहे थे कि बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि अपने आप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उज्जवल भविष्य मैं देख रहा हूं क्योंकि फ्रांस और भारत ने मिलकर के ही इस कल्पना को जन्म दिया और आदरणीय राष्ट्रपति जी इसको आगे बढ़ाने के लिए कृतनिश्चयी हैं और उनके नेतृत्व में इस बात को हम सफलता को प्राप्त करेंगे। मानवता के सामने दो बड़े खतरे हैं, एक चीज जैसे मैंने चर्चा की क्लाइमेट, बहुत लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इनविजिबल है कुछ लोगों के लिए। दूसरा है आतंकवाद, आतंकवाद को हम देख पाते हैं, आतंकवाद को हम अनुभव कर पाते हैं, आतंकवाद की भयानकता हम सुन पाते हैं। आतंकवाद के कारण बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। फ्रांस का हर बच्चा भली भांति आतंकवाद की भयानकता को समझता है, अनुभव की है। आज विश्व का बहुत सारा हिस्सा इस संकट से गुजर रहा है। आज हमने विश्व बड़े
विस्तार से इस विषय की चर्चा की है कि आतंकवाद से बचने के रास्ते क्या होंगे, टेक्नोलॉजी का उसमें जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है उस पर हम सतर्कता कैसे बरतें, साथ मिलकर के कैसे काम करें, रेडिकलाइजेशन के सामने डी रेडिकलाइजेशन की मूवमेंट को हम कैसे बल दें और विश्व शांति और सद्भावना की दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में हमने चर्चा की है। भारत की हमेशा सोच रही है यूरोपियन एकता के संबंध में, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन, प्रगतिशील यूरोपियन यूनियन, सशक्त यूरोपियन यूनियन, इसके हम पक्षकार रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि फ्रांस की ऊर्जावान विजनरी यंग नेतृत्व न सिर्फ फ्रांस को लेकिन यूरोपियन यूनियन को भी एक नई ताकत देने के लिए अपना योगदान जरूर देगा। एक सफल यूरोपियन यूनियन, ताकतवर यूरोपियन यूनियन, प्रगतिशील यूरोपियन यूनियन जो वैश्विक संतुलन के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, मुझे आशा है कि उस दिशा में फ्रांस सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाएगा। मेरे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रपति जी ने भारत आने के मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया है, हम उनके स्वागत के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं फिर एक बार उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, फ्रांस की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मानवता के सामने जो संकट है चाहे वो क्लाइमेट का हो चाहे आतंकवाद का हो, हम दोनों देश मिलकर के इस मानवता के काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।